अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहिन सुल्ताना। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ अचारी चिकन, और इतना टेस्टी है बनाने में। और ये मैं बावर्ची स्टाइल में बना रही हूँ, जो फंक्शंस में अक्सर बनता है, वेडिंग्स हो या फंक्शन हॉल में। तो मैं सेम टू सेम वही बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सबको ये बेहद पसंद आएंगी, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमने अचारी के मसाले ले लेंगे। एक टीस्पून साबित धनिया है, कलौंजी है पाव टी स्पून, पाव टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है, और ये है एक चम्मच ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा है। तो इनको हल्की आंच पे हम रोस्ट कर लेंगे। बस क्योंकि मैंने 1 किलो चिकन लिया है, तो उसके लिए इतना ही मसाला काफ़ी है। आप अगर ज़्यादा मसाला डालेंगे तो उसमें बिटरनेस आएगा, तो ये 1 kg के लिए इनफ दिस वन। तो इसे अच्छे से हम बारीक पाउडर बना लेते हैं, महीन पाउडर बना लेना है। थोड़ा है तो इसके लिए मैंने कुट्टी में बना रही हूँ, कूट ले रही हूँ। तो ये है काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और ये है कसूरी मेथी 1 चुटकी, ये है चाट पाउडर, इसमें जाएंगे ये सब सारे मसाले। अजीनोमोटो है, एक लेमन है, इसमें जाएगा। अब ये है सॉसेस, ये है मस्टर्ड ऑयल, ये मस्टर्ड सॉस, सोया सॉस, विनेगर, चिल्ली, रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली सॉस, और मस्टर्ड सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, एंड ये है किसान का टमाटो केचप। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम ये कट लेते हैं एक बाउल में इस तरह से। तो ये 200 ग्राम दही ली हूँ मैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ अचारी मसाला, ये है कसूरी मेथी 1 चुटकी, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर ट्राई ऐड कीजिएगा। ये है गरम मसाला पाउडर जो होममेड है, हैदराबादी गरम मसाला 1 टीस्पून, ये है काली मिर्च 1 टेबल स्पून, चाट पाउडर 1 टीस्पून, यह है अजीनोमोटो 2 चुटकी यानी पाव टी स्पून, ये भी हमें 1 टीस्पून लेना है चाट पाउडर। इसमें थोड़ा सा 1 पिंच रेड कलर, बुश का रेड कलर लिया है, ऑरेंज रेड कलर, केचप 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून केचप, इससे भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है। चाहे तो आप, अगर इसके ये नहीं है तो आप, ये है मस्टर्ड, ये भी 1 टीस्पून, ये है मस्टर्ड सॉस, ये भी 1 टीस्पून, ये ज़्यादा नहीं जाएगा। ये रेड चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, ये है ग्रीन चिली सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। विनेगर 2 टेबल स्पून, इसकी खटास से सारे जो मसाले हैं उसको बैलेंस करता है विनेगर। ये है सोया सॉस, ये थिक सोया सॉस है, तो मैं 1 टीस्पून ली हूँ, और ये है मस्टर्ड ऑयल, फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल है, ये 2 टेबल स्पून, इसे कच्चा ही डालना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी, एकदम ताज़ा पिसा हुआ है। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक ली हूँ मैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारे मसाले को एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका, इस तरह से देखिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम इस 100 ग्राम ऑयल डाल देंगे, और इसमें बघार के लिए मैंने थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी देखिए राई ज़ीरा, थोड़ा सा करी पत्ता, 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें, थोड़ी सी मेथी दाना,
चार से पांच। और इसमें भी एक टीस्पून अदरक लहसुन जाएगा। इसके साथ में अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए और इसमें चिकन डाल दीजिए। ये मैं बावर्ची स्टाइल में बना रही हूँ। इससे क्या हो गया फ़ायदा, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप करेंगे तो आपके चिकन का शेप बराबर बरकरार रहेगा, यानी ख़राब नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। जो घुल जाता है अक्सर वो नहीं घुलेगा, शेप बराबर रहेगा अच्छा सा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब नमक डाल देंगे एक टीस्पून इसके अंदर। हम मसाले में एक टीस्पून डाले इसमें, तो लगभग मुझे पूरा एक किलो चिकन में एक टेबलस्पून नमक लगा है। आप कम या ज़्यादा आपके हिसाब से क्वांटिटी घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। मिर्च नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए स्वाद अनुसार। तो सारी जो मसाला हमने बनाया था, हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, उसमें अब ये मसाला ऐड कर ली हूँ मैं। तो इसे भी अच्छे से हम चला लेंगे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर। इसे होने दीजिए थोड़ी देर तक, अच्छे से पकने दीजिए। तो चलिए अब इसमें हम पानी डाल देंगे। थोड़ा सा ये पकने के बाद हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे ताकि हमारा चिकन जो है चिकन अच्छा सा टेंडर हो सके। तो देखिए ये 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हम नीचे ऊपर करेंगे। इसमें हरा धनिया ऐड करती हूँ, थोड़ा सा करी पत्ता हमने बघार में भी डाला है, अभी भी डालना है। इससे फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो चलिए इसे पकने के लिए हम फिर ढक देंगे। तो देखिए मैंने 2 मिनट और पका लिया, यानी लगभग मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम खुला पकाएंगे। तो देख सकते हैं बस इसकी ये बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लेमन जूस ऐड कर देंगे, एक नींबू पूरा साबित एक नींबू लेना है, इसका रस इसमें डाल देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये बनकर रेडी हो चुका है, इतना फ्लेवरफुल और इतना टेस्टी, सेम टू सेम फंक्शन वाला। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस, और जिस किसी भी मेरे डिशेस और रेसिपीज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ये है बटर, मैंने ऊपर डाला है, बटर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो नहीं। अगर ये डालेंगे तो बहुत टेस्टी होता है। ये बावर्ची इस्तेमाल करते हैं, ये और क्रीम भी, फ्रेश क्रीम अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बटर इसमें ऐड किया है। तो गाइस जिस जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में गाइस। और जिस किसी भी पसंद आया तो प्लीज़ गुड कॉमेंट्स। तो देखिए ये हमारा अचारी चिकन बनकर रेडी हो चुका है, हैदराबादी अचारी चिकन जो फंक्शन वाला है, सेम टू सेम मैंने बावर्ची स्टाइल में बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। अब इसको ऑफ कर देंगे और इसे हम नीचे उतार लेंगे। थोड़ा सा ढक्कन आप खुला छोड़िए ताकि इसमें जो तेल है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ग्रेवी आप चाहे तो ज़्यादा लूज कर सकते हैं या थिक कर सकते हैं, मुझे चावल के साथ में लेना है तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा थिक रखा है। अगर आप रोटी में ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा लूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बेहतरीन बना था गाइज, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देख सकते हैं आप कितना टेंडर, माउथ वाटरिंग और एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।